आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी फैमिली का इनकम सोर्स क्या है और आपकी फैमिली की टोटल आय कितनी है, जिसके आधार पर आप प्रत्येक गवर्नमेंट योजना का लाभ ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आय प्रमाण पत्र 2024 में ऑनलाइन घर बैठे कैसे आवेदन करते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, और 2024 के अंतर्गत अगर आप लोग भी अपने घर बैठे ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घर बैठे एक नया आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे और मात्र 7 दिन में अपने घर पर ही आय प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग भी यूपी के निवासी हैं और आप लोगों का भी आधार कार्ड यूपी का है और आप लोग भी अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दें, यूपी में आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जारी किया जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना आवेदन करेंगे, इसके बाद आपका जो भी आवेदन है वो आपके एसडीएम है उनके पास जाएगा, एसडीएम के माध्यम से आपका जो भी आपके एरिया के लेखपाल हैं उनके पास जाएगा, लेखपाल से वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद आपका जो आवेदन है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट में एक परिवर्तन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक नया आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और कैसे आप अपना एक नया आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं डायरेक्टली ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट के माध्यम से आप एक नया आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग दो प्रकार के आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट, जो भी यहाँ पर जन सेवा केंद्र, लोकवाड़ी केंद्र या फिर किसी भी प्राइवेट आईडी को यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करके अपनी यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक खुद का पोर्टल लॉन्च किया है सिटीजन सर्विसेज, जिसमें आप लोग अपने घर बैठे एक नया आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सिटीजन सर्विस के माध्यम से एक नया आय प्रमाण पत्र कैसे आवेदन करेंगे और क्या क्या बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम आ चुके हैं सिटीजन सर्विस की पोर्टल पर, यहाँ पर देख सकते हैं सिटीजन सर्विस पे आप लोग आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, हैसियत प्रमाण पत्र और भी कई सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। सिटीजन सर्विस पे कैसे आईडी बनाते हैं, कैसे पासवर्ड बनाते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। हालांकि मैंने इससे पहले सिटीजन सर्विस पे यहाँ पर आईडी पासवर्ड बना रखा है तो मैं उस आईडी पासवर्ड को यहाँ पे लॉगिन करूंगा। बाकी अगर आपका भी अभी तक सिटीजन सर्विस में आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देखिएगा, आईडी पासवर्ड बनाइएगा, उसके बाद आप अपना एक नए आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कीजिएगा। 2024-25 में अगर आप लोग भी एक नया आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को बता दें, एक नया आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना काफी ज्यादा जरूरी है और आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जो भी आधार कार्ड पे आपका नाम होगा वो यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से आएगा, तो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर का होना काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पे अगर आप लोग भी पेंशनर है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर आप लोग संविदा के माध्यम से जॉब कर रहे हैं या फिर आप लोग प्राइवेट लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर अपना बैंक का स्टेटमेंट या फिर आपको सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर आप लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे में आपको किसी प्रकार का कोई भी बैंक स्टेटमेंट की देने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे आपके पास घोषणा पत्र होना चाहिए, घोषणा पत्र कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, क्या फिलअप करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। चौथे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और वो लिंक मोबाइल नंबर आपकी इनकमिंग आउटगोइंग सुविधा रेडी होना चाहिए, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो घोषणा पत्र है 100 प्रमाणित घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र आपको फिल करना है और फिल करने के बाद आप अपने आय प्रमाण पत्र के लिए जब भी आवेदन करेंगे वहां पर इस घोषणा पत्र को आपको अपलोड करना है। आप लोगों को इस घोषणा पत्र में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे समझिएगा
और ये घोषणा पत्र आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली इस घोषणा पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे घोषणा पत्र में आपको क्या क्या फिलअप करना है वो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पे आवेदक का नाम, यहाँ पर उनके पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पे जन्म तिथि, यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस आपको फिलअप करना है जैसा कि आपके आधार कार्ड पे दिया हो, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना थाना फिल करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय आपको यहाँ पे फिल करना है, आपकी सालाना इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, आपकी जाति कितनी है, यहाँ पे आपको अपना वर्ग सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपनी जाति भरनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर, अपना स्थान और यहाँ पे दिनांक, यहाँ पर आप लोग अगर सिग्नेचर कर लेते हैं तो आप लोग हस्ताक्षर करेंगे, और अगर आप लोग अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे आप लोग अंगूठा लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना एक फोटो लगाएंगे और ये आपका 100 प्रमाण पत्र घोषणा पत्र तैयार हो गया है। घोषणा पत्र तैयार होने के बाद आपको डायरेक्टली सिटीजन सर्विस पे आना है, जहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। और जिन कैंडिडेट ने अभी तक सिटीजन सर्विस पे आईडी नहीं बनाई है वो लोग, आप लोग पुरानी वीडियो देखिएगा, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उस पर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। हालांकि मेरी पहले से बनी है तो मैं यहाँ पे अपनी पुरानी लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सिटीजन सर्विस है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और इसमें कई सारी सर्विस देखने को मिल रही, जैसा कि जाति प्रमाण पत्र हिंदी, इंग्लिश, आय प्रमाण पत्र, मूल्यवाद, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, काफी सारी सर्विस आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी सर्विस के आपको एक एक करके वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे, तो अगर आप लोग भी इन सर्विसों का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको केवल आय प्रमाण पत्र के बारे में बता रहा हूँ, तो आप लोग आय प्रमाण बनाना चाहते हैं तो आप लोग आय प्रमाण पत्र पे आवेदन करेंगे। आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को बता दें यहाँ पर आपको ई आधार के माध्यम से केवाईसी करनी है, तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड के नंबर को फिलअप करना है, कैप्चा फिल करना है, डिक्लेरेशन देनी है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जो भी आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको आगे फिलअप करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर फिलअप होगा उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो ओटीपी हमें यहाँ पे फिल करना है और सबमिट वाले बटन पे हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली दोस्तों मेरे आधार कार्ड पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद हमारे सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है सेवा का प्रकार, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण पे क्लिक कीजिएगा, यदि आप लोग शहरी क्षेत्र से हैं तो आप लोग यहाँ पे नगरीय पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका नाम हिंदी में और यहाँ पर आपका नाम इंग्लिश में ये ऑटोमेटिक आ चुका है, ये आपके आधार कार्ड से आया है तो आपको इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इसमें अपना नाम को करेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग को बता दें आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करेंगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर करेक्शन हो पाएगा, अन्यथा यहाँ पर आपका नाम करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिता पति का नाम यहाँ पर फिलअप करना है, यहाँ पे अपनी माता का नाम फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वर्तमान का पूरा पता जो कि आपके आधार कार्ड पे दिया हो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जैसा कि आपको अपना मकान नंबर, मोहल्ला, और यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना तहसील सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना ग्राम व कस्बे का नाम फिलअप करेंगे और यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे। इसके बाद अगर आपका वर्तमान और स्थायी पता सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे, दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका व्यवसाय क्या है, आपका जो भी व्यवसाय है मजदूरी है, मजदूरी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप लोग अपने सदस्य को यहाँ पर दे सकते हैं, यदि आपके परिवार में 2 सदस्य हैं तो यहाँ पे आप लोग 2 क्लिक करेंगे और रीलोड लेने के बाद आपको 2 परिवार के सदस्य का वितरण आपको देना है, जैसा कि सदस्य का नाम, यहाँ पे व्यवसाय और आवेदन का स्तर कितना है, कितनी इनकम है उनकी, इस हिसाब से दूसरे सदस्य का आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी आय श्रेणी कितनी है, तो आप लोग मजदूरी करते हैं तो आप अपनी मजदूरी के हिसाब से यहाँ पर आय को फिलअप कर सकते हैं, तो जो भी आपकी कुल आय है वो आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। और यदि आपकी कृषि भूमि है और कृषि के माध्यम से अगर आपकी आय है तो आपको यहाँ पर कृषि भूमि का वितरण देना है कि कौन से गाँव में, कौन से कस्बे में, कहाँ पर खेती है, कितने हेक्टेयर में खेती है और उस खेती के माध्यम से कितनी आय होती है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है।
और यदि आप लोग पेंशनर हैं, आप लोग पेंशन के माध्यम से इनकम सोर्स है, तो आप यहाँ पे पेंशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पर खेती की और यहाँ पर पेंशन की आय देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी टोटल आय है वो आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे, जो ऐसा कि देख सकते हैं परिवार की कुल टोटल आय, ये आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद आय फिल करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने ये प्रमाण पत्र इससे पहले कभी जारी किया था या फिर बना है, तो आपको अगर बना है तो हाँ कीजिएगा, उसका नंबर फिल करना है, और यदि नहीं बना है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पर आवेदन शुल्क पे हाँ ही रखना है। अगर आपका राशन कार्ड बना होगा तो राशन कार्ड संख्या यहाँ पर आ जाएगी, अन्यथा यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आय प्रमाण पत्र बनवाने का क्या कारण है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु, या फिर अन्य रीजन भी आप लोग डाल सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फोटो को अपलोड करना है, घोषणा पत्र अपलोड करनी है, और यहाँ पर अगर आपका कोई वेतन मिलता है तो आप लोग वो अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, और यदि इनमें के अलावा कुछ नहीं मिलता है तो आप लोग यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे, अन्य में आधार कार्ड लगाएंगे। तो जैसा कि मैं अपना फोटो अपलोड कर रहा हूँ, तो फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर फोटो अपलोड कर फोटो सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर फोटो पे क्लिक करेंगे, और हमारा फोटो जहाँ पे पड़ा है उसे सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड करते ही हमारा जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी हिसाब से हम यहाँ पर अपना स्व प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र और अन्य में आधार कार्ड अपलोड करेंगे, और यदि आपको सैलरी मिलती है तो आप लोग यहाँ पर सैलरी स्लिप भी अपलोड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपने फॉर्म को पूरा चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आपको यहाँ पे दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही है तो आप लोग यहाँ पे सेवा शुल्क के भुगतान पर सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, तो हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले हमें यहाँ पर अपना ₹15 का भुगतान करना पड़ेगा, तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कई सारे पेमेंट के मेथड आ जाएंगे, जैसा कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR, UPI। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस जमा करते हैं तो आपको ₹18 का बैंक चार्ज देना पड़ेगा, यदि आप लोग डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो आपको ₹5 का, और अगर आप लोग QR के माध्यम से कर रहे हैं तो आपका जो भी टोटल भुगतान है वो मात्र ₹15 का सेवा चार्ज लिया जाएगा। ये फी पेमेंट करने के बाद आपका जो आय प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर पे भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप अपने आय प्रमाण पत्र की स्थिति ई डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पे आकर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन की स्थिति, यहाँ पर आप लोग अपना आवेदन नंबर फिलअप करेंगे, सर्च करेंगे, और आपका जो भी आवेदन की स्थिति होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपका भी 7 से 8 दिन में आय प्रमाण पत्र बन के आ जाता है तो आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में आप लोग यहाँ पे समझिएगा। आय प्रमाण पत्र बन के आने के बाद आपको उसी वेबसाइट यानी सिटीजन सर्विस पोर्टल पे आना है, जिस आईडी पासवर्ड से आपने लॉगिन किया था, जिस आईडी पासवर्ड से आपने आवेदन किया था, वही आईडी आपको यहाँ पर लॉगिन करनी है, और यहाँ पर आपको आना है निस्तारण आवेदन, तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी आवेदन किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी, और यहां पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा डाउनलोड का, आप लोग उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने अभी हाल ही में एक डोमोसाइल यानी मूल निवास के लिए आवेदन किया था, जिसका यहाँ पर आवेदन संख्या और मूल निवास जारी प्रमाण पत्र और यहाँ पर रिसीव डेट आपको देखने को मिल रही है, और ये हमारा जारी होके आ चुका है। तो ये वाला मूल्यवान डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो भी होगा, आय होगा, जाति होगा, मूल्यवास होगा, जो भी जारी होके आ जाएंगे यहाँ पर आपको शो होते रहेंगे। हालांकि मेरा यहाँ पर केवल अभी मैंने मूल्यवास बनाया तो मेरा यहाँ पर मूल्यवास शो हो रहा है। तो फाइनली देख सकते हैं आज
6 से 7 दिन के बाद हमारा जो आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर स्टेटस में शो हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर रिसीव डेट है, और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र देखने को मिल रहा है। अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर डायरेक्टली क्लिक करना होगा। इसके बाद हमारा जो आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे डाउनलोड तो हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज पे हम इस आय प्रमाण पत्र को आपको दिखा नहीं सकते, ये किसके द्वारा जारी हुआ है, कब जारी हुआ है, क्योंकि YouTube पॉलिसी के खिलाफ है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रमाण पत्र हमें इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार करके डिलीवर्ड किया गया है, जिस पर आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी स्टैंप या फिर सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है, और ये आपका हर जगह वैलिड होगा, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यह प्रमाण पत्र का आप लोग प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। तो फाइनली कुछ था ये आय प्रमाण पत्र आवेदन करने का प्रोसेस, जो कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।